अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपको ऐसी मालूमात देगी जो आपको हैरान कर देगी। अगर आप रोज़ाना ब्रेड खाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ब्रेड के कुछ ऐसे नुकसान की जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। ये मालूमात आपको अपनी सेहत के हवाले से सोचने पर मजबूर कर देगी। ब्रेड में बहुत सी कंपनियाँ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि इसे ज़्यादा देर तक महफूज रखा जा सके। ये प्रिजर्वेटिव्स आपके जिगर और निज़ाम हाजम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका मुसलसल इस्तेमाल आपको बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। ब्रेड का अक्सर हिस्सा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी होता है, जो आपके ग्लूकोज लेवल को आसमान पर ले जाता है और फिर अचानक नीचे गिरा देता है। इससे न सिर्फ वज़न बढ़ता है बल्कि डायबिटीज़ का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है। ब्रेड में ग्लूटेन होता है जो कई लोगों के लिए सेहत के मसाइल पैदा कर सकता है, ख़ासतौर पर वो लोग जो ग्लूटेन की हसासियत या सेलिक बीमारी का शिकार होते हैं। ग्लूटेन के इस्तेमाल से पेट में दर्द, गैस और हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अक्सर ब्रेड ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट में मस्नूई रंग, फ्लेवर्स और एडिक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके निज़ाम के लिए बहुत नुकसानदार होते हैं। ये मस्नूई चीज़ें आपको एलर्जीज, हार्मोनल मसाइल और यहाँ तक के कैंसर का शिकार बना सकती हैं। आजकल की ब्रेड हकीकत में बिल्कुल गजाइत से खाली होती है। सफ़ेद ब्रेड खास तौर पर बहुत ज़्यादा गैर सेहत बख्श होती है, क्योंकि इसमें से फाइबर, विटामिन और मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ खाली कैलोरीज बचती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। तो अब आप ब्रेड को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो एक मरतबा सोचिएगा कि क्या ये आपकी सेहत के लिए सही है। क्या ये वाकई आपके जिस्म को ज़रूरी गजाइत फराम कर रहा है या सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।